वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट कपकेक बनाने वाले हैं। ये इजी मेथड से बना रहेंगे, ये इजी मेथड से बनाने वाले हैं। इस मेथड से आप केक भी बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। और हम केक आज दो तरीके से आपको बताने, एक ओवन में भी बताने वाले हैं और कढ़ाई में भी बताने। बहुत लोगों के कमेंट ये आते हैं कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम कपकेक कैसे बनाएं, कि केक हम कैसे बनाएं, कैसे करें चीज़ों को। तो आज हम वो भी मेथड आपको इस वीडियो में बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। वीडियो को अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। जब तो आप बीच में स्किप कर दोगे तो चीज़ें आपको पूरा नहीं पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। और साइड में बेल आइकन का बटन भी दिया, उसको भी प्रेस। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक मोल्ड लेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये हमने 1/3 कप ऑयल लिया है। आप चाहो तो बटर भी ले सकते हैं। और इसमें हम 1/2 कप पाउडर शुगर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बिप कर लेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक फेंटना जिसका क्रीम जैसा टेक्सचर ना हो जाए दोनों चीज़ों को। आप बटर सॉल्टेड भी ले सकते हैं। अब ये बैटर क्रीमी टेक्सचर में आ गया, चीनी और इसका। अब इसमें हम 4 चम्मच दही ऐड करेंगे, यानी कि 1/4 कप। हमारे पास ये मेजरमेंट वाले कप हैं, हमने इसी को यूज किया। अगर आपके पास मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो आप एक कटोरी या कप से मेजरमेंट उसी से करें, उससे आपका मेथड बिल्कुल सही रहेगा चीज़ों का। तो इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, 1 चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये केक सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा नहीं कि कोई एनिवर्सरी है या वैलेंटाइन डे तभी बना के खा सकते हैं, आपका जब मन करे तब बना के खा सकते हैं इसको। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो हम एक छलनी रखेंगे, इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। 1 ग्राम्स में 250 ग्राम मैदा है। 1 चम्मच भर के हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। आप डार्क वाला कोको पाउडर नहीं लें, लाइट वाला लें। अगर आपके पास डार्क वाला तो 1/2 चम्मच ऐड करें। और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। आप कोई एक मेजरमेंट चम्मच ले लें, जैसे हमारे पास ये मेजरमेंट चम्मच हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप इसमें 1 स्पून ले लें, उससे मेजर कर लें। और हमने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे इसी में। छानने से क्या होता है, जो केक है और कपकेक जो भी आप बनाएंगे वो काफ़ी फ्लफी बनते हैं। इसको अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमने दूध लिया है, ये बिल्कुल ठंडा दूध है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पूरा 1 कप दूध लग गया है। आप चाहो तो चॉकलेट फ्लेवर में बनाना चाहो तो इसमें कोको पाउडर 1 चम्मच और ऐड कर दे तो आप चॉकलेट फ्लेवर में बन जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच रेड फूड कलर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। वैसे तो जेल कलर इसमें ऐड करते हैं, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास जो कलर फूड कलर आपके पास है ड्राई वाला, तो आप उसको थोड़ा पानी में भिगो के रख दें और फिर ऐड करें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेड कलर इसमें आ गया है। तो हम इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं, कप केक को। आप देख सकते हैं हमें सिर्फ ऐसा रिबन टेक्सचर में चाहिए कि हम डाल रहे हैं और नीचे गिर रहा है आराम से। हमें ज़्यादा पतला इसका बैटर नहीं करना है कप केक का। और यही बैटर हमें
आप जब केक बनाएंगे उसमें भी इसी तरीके से आप बैटर यूज कर सकते हैं। आप इसी बैटर से केक भी बना सकते हैं और इसी बैटर से कप केक भी बना सकते हैं। दोनों सेम ही मेथड है कप केक बनाओ केक बनाने के। तो हम इसको कप केक मोल्ड में रखते हैं। हमने जो मोल्ड को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और हम ये ओवन में बनाएंगे 180 पे 15 मिनट्स के लिए, मतलब 15 मिनट के लिए हम इसको कप केक को ओवन में रखेंगे। तो हम इसको फुल नहीं फिल करना, मैं हाफ हाफ इसमें डालेंगे। अब ये ओवन वाला तो मोल्ड रेडी हो गया, तो हम इसको ओवन में रखते हैं 180 पे 15 मिनट्स के लिए, यहाँ तक कि 15 मिनट के लिए। ओवन का टेम्परेचर सबका अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से 15 मिनट बाद चेक कर सकते हैं। और ओवन को हमने 10 मिनट के लिए फ्री हीट कर लिया था, तो हम इसको ओवन में। और अब हम आपको कढ़ाई में भी बताएंगे, हमने ये पेपर कप लिए हैं जो पानी वाले मार्केट में आसानी में हर किसी के घर में ये कप होते हैं, तो हमने इसको कट कर लिया। अब और इसमें ऑयल से हमने इसको ग्रीस कर लिया है, तो इसी मोल्ड में हम इसको भी आधा फिल करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। आप चाहो तो आपके पास छोटी कटोरी हो तो उसमें भी इसको बना सकते हैं। इसको भी अच्छे से टैप कर लेंगे और आपको दिखाते हैं। हमने एक कढ़ाई रखी है, इसको फ्री हीट कर लिया हमने 10 मिनट के लिए। इसकी लीड को हटाएंगे और आप देख सकते हैं धुआं आ रहा है काफ़ी आराम से सॉरी तो आप इस तरीके का कोई भी स्टैंड इसमें रख दें, उसके ऊपर हम ये प्लेट रख देंगे और हम लीड से इसको कवर कर देंगे और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे 20 मिनट के लिए। आप बीच में एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि गैस का ओवन का फ्लेम का चक्कर रहता है कि आपने कितनी हाई की कितनी लो की है, उस पे डिपेंड करता है कि केक में आपके कितना टाइम लग रहा है। तो हम इसको लो फ्लेम पे कर रहे हैं अभी, हम 2 मिनट के लिए इसको हाई पे रखेंगे फिर हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। अब 2 मिनट हो गए, हम इसको गैस को लो फ्लेम पे कर देते हैं, लो फ्लेम पे 20 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लें। अब हम ये व्हिप्ड क्रीम लेंगे, ये मार्केट वाली है, ये एकदम चिल्ड है। जो हम व्हिप क्रीम यूज करते हैं ना एकदम चिल्ड ही लेने की होती, नहीं तो अच्छे से व्हिप नहीं। इसको बीटर से व्हिप करते, पहले लो फ्लेम से करेंगे। फिर हम इसको हाई करेंगे, पहले लो करेंगे फिर मीडियम और फिर हाई। तो अभी हमने इसको मीडियम किया है फिर हाई करेंगे। इतनी थिक हो गई है, इस टाइम हम इसमें 2 चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। आप चाहो तो शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें व्हिप क्रीम में इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्हिप क्रीम बनी है, एकदम कि हम ऊपर से गिरा रहे हैं पर गिर नहीं रही है, ये परफेक्ट बनी है। अब जब तक हम कप केक इसको हम फ्रिज में रखेंगे, क्यों बाहर रखेंगे तो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, पर हमें इतनी व्हिप करनी है इसको कि हम ऊपर से गिरा रहे हैं और गिर नहीं रही है। परफेक्ट पीक आए हैं इसमें, आप देख सकते हैं, बस इतनी ही मेल्ट करनी है हमें इसको। आप देख सकते हैं कितने फूल गए हैं, स्पंजी हैं बिल्कुल। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तो हम ये कढ़ाई वाली देख लेते हैं,
उसमें एक टूथपिक लेंगे, उसको बीच में डालेंगे। बिल्कुल क्लीन आ रही, मतलब ये भी कपकेक बनके रेडी हो गए हैं। तो हम गैस को बंद कर देंगे, इसको 20 मिनट लगे बनने में और उसको 15 मिनट लगे जो ओवन में बनाई है। तो अब इसको हम ठंडा होने रख देंगे और आप देख सकते हैं कितने फ्लफी हो गए हैं, काफ़ी फूल गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडे भी हो गए हैं काफ़ी, और काफ़ी फ्लफी हो गए हैं। अब हम इनको जब ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, तभी इसको गार्निश करेंगे। और वो अभी काफ़ी गर्म है कढ़ाई वाले, उनको भी ठंडा हो जाने देंगे। इसी तरीके से केक भी बना सकते हैं, सेम मेथड है केक का भी। आप चाहे ओवन में बनाएं कढ़ाई में बनाएं, हमने आपको दोनों मेथड बता दिए। आपको जो इजी मेथड लगे आप उसको यूज करें। आप देख सकते हैं केक कितने फ्लफी और स्पंजी बने हैं। दबा के दिखा देते हैं आपको, निकाल के दिखाते हैं, एकदम स्पंजी बने हैं। अब ये पेपर वाला भी आपको दिखाते हैं निकाल के। आप देख सकते हैं ये पेपर वाला निकाला है, ये भी देख सकते हैं कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है, काफ़ी फूल गए हैं। अब हम इनको इनकी डेकोरेशन करेंगे। तो हम व्हिप क्रीम को फ्रीज से निकाल के लेके आते हैं। इस तरीके हम ये सारे निकाल लेते हैं, इसको ज़्यादा मेहनत करने के, क्योंकि जब हो जाते तो अपने आप ही एचेस मतलब साइड छोड़ देते हैं, तो आराम से निकल आते हैं। देखो आराम से निकल आते हैं। तो आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से भी केक बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा बन जाता है, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेते हैं। तो हमने फ्रीज से व्हिप क्रीम बाहर निकाल ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे 2-4 ड्रॉप, और इसको मिला लेंगे फिर अच्छे से। इसको हाई पे ही करना है ये। अब हम इसको एक मोल्ड पाइपिंग बैग में डालते हैं। बाकी जो बची है उसको हम फ्रीज में फिर रख देंगे, जब यूज होगी तो हम उसको फिर निकाल लें। तो अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें। व्हिपिंग क्रीम पाउडर का भी आती है, उसकी भी रेसिपी हम आपको बता देंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। तो हमने इस पर थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं, अब थोड़े से हार्ट शेप के स्प्रिंकल इस पर डाल देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशनल मिलता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो साइड में बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी प्रेस करें। और ये बन गए हैं कपकेक, देखे दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। रेसिपी बहुत इजी मेथड से हमने आपको बताई है, तो इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो करें, इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं रेड वेलवेट केक। वीडियो अच्छी लगे उसके लिए थैंक यू। आप देख सकते हैं।